नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। ट्राइडेंट लिमिटेड जो है ना, एक तरह से बहुत ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है, मगर अब जो है ना डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। डायरेक्शन चेंज का मतलब ये है कि पहले ना जो सेलिंग हो रही थी लोअर लो पैटर्न बना रहा था, और यहाँ पे देखिए ना एक तरह से कितने पता तो क्या मार्केट ना यहाँ पे तो 54 का था। तो 54 से अगर गिरावट काउंट करोगे ना अभी इस वक्त, तो करेंट सिचुएशन की बात किया जाए ना तो भी 24% का गिरावट है, और ऑल टाइम लो की बात किया जाए तो 31% का था। तो इसमें थोड़ा सा रिकवरी हो चुकी है, 24% अभी फिलहाल मानी है। तो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जो है ना ये आपको लोअर लो पैटर्न जो दिख रहा है ना वो चेंज हो गया। यहाँ पे देखो एक जो कंटिन्यू होता रहता था तो यहाँ पे भी होना चाहिए था, ट्रेंड लाइन को ऐसे सीधे ड्रॉ करना चाहिए था, मगर ये जो है ना इसको काट के यहाँ पे ब्रेकआउट लेकर और मूवमेंट है ना दूसरी तरफ चाह रहा है। तो ये आपको जो है ना डायरेक्शन बता रहा है कि भाई मैं अब यहाँ से चेंज हो चुका हूँ, अब धीरे धीरे हायर हाई बनाते हुए अपसाइड जाऊंगा। एक पहला डायरेक्शन मिला। दूसरा डायरेक्शन मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर डिलीवरी बेसिस देखो तो 49% का हो चुकी है, बराबर जो कि पहले के हिसाब से ना 34% होता था, 34% और फिबा में 38% होता था, और अभी देखिए 49% का हुआ। तो मतलब मोस्ट ऑफ 10% का तो एक तरह से इंक्रीमेंट देखने को मिला, और मार्केट जब क्लोज हो रहा था तो 573 क्वांटिटी ऑफ शेयर से बना हुआ है। तो अभी इसमें मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से बताता हूँ। यहाँ पे देखिए जब एक तो 37 से अभी 39 तक आया, 2 पॉइंट का अपसाइड देखने को मिल रहा है। थोड़ा जो सपोर्ट एरिया की बात किया जाए ना तो यहाँ पे देखो दबाव किस लिए है कि यहाँ पे देखो छोटी छोटी चीजें है ना यही रुकावट बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो 39 का, 39 का इसने ब्रेकआउट किया, थोड़ा दबाव दे दिया। अभी फिबा में इसको जैसे ब्रेकआउट लेगा फिबा में फिर थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा। ये छोटी छोटी चीजें है ना ये इसको फंसा कर रख रहे हैं। लेकिन ये जब 41.80 का जो है ना रेंज है, ये जैसे ही ब्रेकआउट लेगा ना तब कोई भी रुकावट नहीं है पीछे साइड में, तब सीधा डायरेक्ट जो रहेगा ना हमको अच्छा खासा मूवमेंट है यहाँ तक का देखने को मिल सकती है। वो है कि पहला कैंडल ये रहेगा 45, दूसरा जो रहेगा ना 50 तक का देखने को मिल सकती है। और सपोर्ट एरिया की बात कर लेते हैं तो सपोर्ट एरिया ना अभी चेंज हो जाएगा, 37 तक का सपोर्ट एरिया रहेगा। बाय सर, रिकमेंडेशन ये चैनल परिवार तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करना। जय।